थरुण स्पीक्स नाम से एक यूट्यूब चैनल है जो बहुत ही शानदार तरीके की वीडियोस बनाते हैं। आप में से काफी लोग उनको पहले से जानते होंगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो उनकी वीडियो की एडिटिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा मजेदार होती है। तो आज हम थरुण स्पीक्स की पूरी वीडियो का एडिटिंग का ब्रेकडाउन करने वाले हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारे इफेक्ट सिखाएंगे जो वो अपनी वीडियोस में यूज करते हैं। माय नेम इज तरुण एंड आई हैव बीन इनवाइटेड टू द एशियास लार्जेस्ट कॉलेज कल्चरल फेस्ट। सबसे पहली बात, जो उनकी वीडियो है इतनी ज़्यादा सिनेमैटिक लगने का एक और रीज़न है कि उनका जो सीक्वेंस है, उनका जो रेशियो है वो 16:9 नहीं है, यानी कि आपकी और हमारी मोस्टली वीडियोस जो आप देखते हैं वो 1920x1080 के पिक्सल में होती है, जो होते हैं हमारे 16:9 का रेशियो। लेकिन वो शूट करते हैं 1920x900 यानी कि 21:9 का रेशियो। तो उस वजह से होता क्या, बेसिकली आपकी वीडियो के ऊपर और नीचे ब्लैक बार्स बन जाते हैं, तो आपकी वीडियो थोड़ी सी और ज्यादा सिनेमैटिक अपने आप लगने लगती है। अब सबसे पहला जो है इनका इंट्रो, इंट्रो में देखो ये जो कार्टून वाला फेस आता है, फिर ये फेस निकल के पीछे बैकग्राउंड भी चेंज हो जाता है और फेस के साथ एक कार्टून सी बॉडी आ जाती है। ये सब चीजें हम कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। सिंपली आपको क्या करना है, जहां पर भी आपका इंट्रो आता है वो इंट्रो का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद वो किसी भी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आप लेके जाओ, पूरा बैकग्राउंड और बॉडी समेत उसको रिमूव कर दो, सिर्फ अपने फेस को रखो, फेस के ऊपर लगाओ कोई भी कार्टून वाला फिल्टर जो आपको अच्छा लगे, उसके साथ साथ गूगल से एक PNG डाउनलोड कर लो ह्यूमन बॉडी क्लिप आर्ट लिख के, जो भी आपको अच्छी लगती है वो आप लगा सकते हो। उसके बाद एज ए PNG में इनको आपको सेव करना है। अब यहाँ पे आपका सारा खेल सिर्फ की फ्रेम्स का है। की फ्रेम्स मैंने काफी बार सिखा रखे है, पूरा Adobe प्रीमियर प्रो का कोर्स भी है। अब यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है कि जो कार्टून वाली फेस की फोटो है उसको अपनी वीडियो के ऊपर लगाओ और सिंपली क्या करो, की फ्रेम्स को ऑन कर दो। अब धीरे धीरे आगे की तरफ जाओगे जहाँ पे की फ्रेम्स आपको रखने, एंड की तरफ की फ्रेम और स्केल की मदद से अपने फेस को वहां पे जाके छोड़ सकते हो, तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में इसके बीच में एक और लेयर लगाओ जहाँ पे आपको एब्स्ट्रैक्ट वाली वीडियो रखनी हो, वो वीडियो के की फ्रेम्स ऑन कर दो, स्टार्टिंग में बिल्कुल जहाँ पे ऊपर ले जाओ, फिर धीरे धीरे नीचे लेके आने, तो पोजीशंस को उस तरीके से सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो जैसे इन्होंने पीछे थरुण लिखा हुआ है, वो भी आप कर सकते हो, सिंपली बड़ा सा एक टेक्स्ट लिखो, टेक्स्ट की ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर दो, मल्टीप्लाई कर सकते हो या ऐड कर सकते हो, ताकि वो जो ब्लेंड है हमारे बैकग्राउंड के साथ अच्छे से हो जाए। उसके बाद आप अपने टेक्स्ट वर्ड बाय वर्ड लिख सकते हो, और ये जो स्मोक इफेक्ट है ये आपको ग्रीन स्क्रीन यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, सिंपली इसको अपनी वीडियो के ऊपर लगाओ और जहां पे आपको ये पूरी स्क्रीन पे वाइट करना है वहां पे अपना स्मोक को खत्म कर दो। अब ये जो टेक्स्ट है या फिर जो बॉडी है ये काफी शेक हो रही है, यहाँ पे हिल रही है, अब या तो आप इनको की फ्रेम्स की मदद से शेक कर सकते हो, या फिर अगर आप गूगल पे लिखोगे डेडपूल फ्री प्रीमियर प्रो प्लगइन, अगर आप लिखोगे तो फ्री वाले एक प्लगइन मिल जाएंगे, उसको सिंपली Adobe प्रीमियर प्रो के अंदर डालो और वो सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो अपने फोटो के ऊपर, तो उससे काफी अच्छा शेक यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। अब यार देखो, वीडियो तो मैंने बनानी थी, इसके आगे की भी एक्चुअल बनाई थी, लेकिन ऑडियो जो है सारी खराब हो गई, पता नहीं क्योंकि माइक शायद से बंद हो गया। अगर आप पार्ट टू देखना चाहते हो, इसके आगे के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अभी पेंडिंग थे, पार्ट टू आप देखना चाहते हो तो 200 लाइक आज में कर देना यार, मजा आ जाएगा हमें भी और आपको भी। ये पार्ट कैसा लगा वो भी जरूर कमेंट में बता देना।